आजिठारु आरंभ हेबाकु जाउछि भारतर सबुठारु बड़ ड्रोन फेस्टिवल दिल्लीर प्रगति मैदान रे अनुष्ठित हेउथिबा एही फेस्टिवल को उद्घाटन करिछन्ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। आजि एवं आसंता काली दुई दिन धरि चालिबो एही ड्रोन महोत्सव। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन पायलट को सहित कथा हेबार मध्य कार्यक्रम रहिछि। उसे देखने में मेरा मन ऐसा लग गया कि मेरा समय का ध्यान नहीं रहा। इतना लेट आया फिर भी मैं मुश्किल से 10% चीजों को देख पाया और मैं इतना प्रभावित हुआ। अच्छा होता मेरे पास समय होता, मैं पूरा एक एक स्टॉल पे जाता, हर नौजवानों ने जो काम किया है उसको देखता, उनकी कथा सुनता। सब तो नहीं कर पाया लेकिन जो भी मैं कर पाया मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मैं सरकार के भी सभी विभागों से आग्रह करूंगा कि आपके अलग अलग स्तर के जितने अधिकारी हैं जो पॉलिसी मेकिंग में जिनका रोल रहता है वे जरूर 2-3 घंटे यहां निकालें, एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। यहां उनको टेक्नोलॉजी को देखने को मिलेगा और उनको अपने दफ्तर में ये पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी अपने यहां ऐसे उपयोग में हो सकती है। एने गवर्नेंस में भी अनेक ऐसे इनिशिएटिव हैं जो हम इसके आधार पर चला सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा आज, और भारत के नौजवान और मैं हैरान, खुशी इस बात की होती थी कि जिन जिन स्टॉल पे गया तो वो बड़े गर्व से कहता था, साहब ये मेक इन इंडिया है, ये सब हमने बनाया है। साथियों, इस महोत्सव में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे किसान भाई बहन भी हैं, ड्रोन इंजीनियर भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, विभिन्न कंपनियों के लीडर्स भी यहां मौजूद हैं। और 2 दिनों में यहां हजारों लोग इस महोत्सव का हिस्सा बनने वाले हैं, मुझे पक्का विश्वास है। और अभी मैं एक तो मैंने प्रदर्शनी भी देखी लेकिन जो एक्चुअली ड्रोन के साथ अपना कामकाज चलाते हैं और उसमें कई युवा किसानों से मुझे मिलने का मौका मिला जो खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। मैं उन युवा इंजीनियर से भी मिला जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी यहां दिए गए हैं। मैं इन सभी ड्रोन पायलट्स को और इस काम में जुड़े हुए सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नए भारत की, नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। संयोग से 8 वर्ष पहले
यही वो समय था जब भारत में हमने सुशासन के नए मंत्रों को लागू करने की शुरुआत की थी। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के रास्ते पर चलते हुए ईज ऑफ लिविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमने प्राथमिकता बनाया। हमने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए देश के हर नागरिक हर क्षेत्र को सरकार से कनेक्ट करने का रास्ता चुना। देश में सुविधाओं का पहुंच का डिलीवरी का एक जो डिवाइड हमने अनुभव होता था उसके लिए हमने आधुनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, उसे एक महत्वपूर्ण ब्रिज के रूप में व्यवस्था का हिस्सा बनाया। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहां मान लिया गया टेक्नोलॉजी अनेक बड़े रहीश लोगों का कारोबार है, सामान्य मानवीय की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। साथियों, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है हमारे यहां कुछ लोग टेक्नोलॉजी का डर दिखाकर उसे नकारने का प्रयास भी करते हैं। ये टेक्नोलॉजी आएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब ये बात सही है कि एक जमाने में पूरे शहर में एक टावर हुआ करता था, उसकी घड़ी के घंट बजते थे और गांव का समय तय होता था। तब किसने सोचा था कि हर गले हर एक की कलाई पर घड़ी लगेगी।